अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आज मैं एक प्रोडक्ट को अनबॉक्स करूँगा जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी। उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद आएगी। कोशिश कीजिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि दराज से जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आप किन बातों का ख्याल रखना है डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने एक थोड़ा से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दराज से जब आप ऑर्डर करेंगे तो वो किस तरह से ऑर्डर करके और किस तरह से आप फ्रॉड से महफूज रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आई कार्ड पर लिंक लगा दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का रिव्यू बनाने का मकसद जो है वो ये है सिर्फ कि आपको बताया जाए कि दराज से किस तरह से पार्सल डिलीवर होता है। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है आपके पास कोई भी प्रोडक्ट दराज से डिलीवर होती है कि उसके ऊपर जो डिजिटल स्टिकर हो वो लाजमी है, ठीक है ना। अगर डिजिटल स्टिकर नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट को ऑल्टर किया गया है, यानी जो बॉक्स है उसको ऑल्टर किया गया, उसके अंदर प्रोडक्ट चेंज भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि डिजिटल स्टिकर हो उसके ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा दराज की ब्रांड की टेपिंग हो उसके ऊपर, ठीक है। ये देखें आप, चारों साइड से दराज की ब्रांड की टेपिंग हुई है इसके ऊपर, ठीक है। फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो फ्रेजाइल का स्टिकर भी इसको पेस्ट किया गया है, ठीक है। ये फ्रेजाइल के स्टिकर इसको पेस्ट किया गया। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है बेसिकली क्या। तो कोशिश कीजिए वीडियो का अंत ज़रूर देखें। मैं दूसरी साइड से ओपन कर रहा हूँ बिकॉज़ उस साइड पे स्टिकर लगा हुआ, तो मैं वहाँ से नहीं ओपन कर रहा, मैं दूसरी साइड से ओपन कर रहा हूँ जस्ट इन केस के अगर प्रोडक्ट में कोई इशू हो। बिकॉज ये दराज मॉल से मैंने ऑर्डर किया, मैं आपको स्क्रीन पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा कि प्रोडक्ट क्या है, इसमें मुझे कितना डिस्काउंट मिला, कितने दिन में डिलीवर हुई। ये बेसिकली पार्सल मुझे कल डिलीवर होते हैं, यानी 2 नवंबर 2022 को तकरीबन दोपहर के टाइम। तो मैं स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा कि मुझे इस पर क्या डिस्काउंट मिला। और दराज मॉल का फ़ायदा ये था होता है बेसिकली कि आपको 14 डेज़ का रिटर्न मिलता है। मीन्स अगर इन केस आपका प्रोडक्ट डैमेज है, डिफेक्टेड है, कोई भी उसमें चीज़ कम है, तो आप विद इन 14 डेज़ उसको रिटर्न या एक्सचेंज करवा सकते हैं। बेसिकली दराज से एक्सचेंज तो नहीं होता, वो रिटर्न ही होता है। मैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं आई कार्ड पर लिंक भी उसका शेयर कर चुका हूँ, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर बेसिकली क्या है। और मैं प्रोडक्ट को बड़े प्यार मोहब्बत से खोलता हूँ। मेरी अनबॉक्सिंग अगर आपने कल वाली बाटा की देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा मैं बड़े तरीके से अनबॉक्सिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं उसका भी लिंक आई कार्ड पर शेयर कर दूँगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली हमारा बॉक्स ओपन हो गया है और मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर मैंने ऑर्डर क्या किया था। तो ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ, बहुत ही तरीके से इसको रैप किया गया है, प्रॉपरली पैक है, ठीक है ना। ये गार्ड का जो है वो इंजन ऑयल है जो कि CD70 के लिए होता है, ठीक है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको पैक किया गया। नॉर्मली मैंने दराज से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, इतनी अच्छी पैकिंग बहुत कम ही देखने में मिलती है। तो आई अप्रिशिएट इस सेलर को कि इसने इतने अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट को पैक करके भेजा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ आपके लिए और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी प्राइस जो प्रोडक्ट पर मेंशन होती है वो कितनी है, मेंशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। आप इसकी देर जो है वो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप क्वेश्चन भी कमेंट में कर सकते हैं। तो मैं पीधर इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मेरी प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। ये नहीं कर रहा, दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं तो मैं इसलिए एक ही को ओपन करता हूँ, दूसरी को मैं ओपन नहीं करता, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैक किया है, उसको खोलना भी जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपके सामने मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ बीच में से। ये देखें आप, अच्छा ये इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है पेपर, ठीक है ना, ताकि अगर इन केस कोई मसला हो तो ये आप इजीली एक्सचेंज करा सकते हैं, पता चलता है दराज से आप नॉट देखिए, ठीक है। तो ये सेकंड भी सेम ही है, तो इसलिए मैं एक ही का आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये गार्ड का सुपर प्लस इंजन ऑयल है, ठीक है, जो कि 0.7 लीटर है, CD70 में यूज़ होता है। 20W50 जो है वो इसकी थिकनेस है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके बैक साइड पे जो चीज़ें मेंशन है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताया तो, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि इसकी प्राइस
जो है वो 526 रुपये मेंशन है पैकेट के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर लेके भी आपके लिए शेयर कर दूँगा, प्रॉपर पिक्चर लेके, और जो मैंने ऑर्डर किया है मुझे कितने में और कितना डिस्काउंट मिला वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर सील पैकिंग है, मैं ये प्रॉपर सील्ड है, ठीक है। और ऊपर एक अदद चमकने वाले स्टिकर लगा हुआ है जो कि बताता है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ठीक है। ये आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो मैंने कोशिश की कि आपके लिए रिव्यू बनाऊं, जो लोग कहते हैं जी दराज वाले सिर्फ फ्रॉड करते हैं, मैं कोई दराज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मेरा दराज से कोई लेना देना नहीं, मैं दराज का एक कस्टमर हूँ सिर्फ। बट मेरा एक्सपीरियंस दराज से हमेशा बहुत अच्छा रहा है, 90% केसेस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है दराज से, क्योंकि मैं सिर्फ दराज मॉल से ऑर्डर करता हूँ, मैं दूसरे सेलर से ऑर्डर बहुत कम करता हूँ। उनसे भी ऑर्डर किया, उसमें कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं और कुछ डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल दराज से बहुत अच्छा रहा है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन है, आपको वीडियो में इतना क्लियर शायद ना दिखे, बट यहाँ पे लिखा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, और ये यहाँ तक इसकी कैपेसिटी, जहाँ पर मैं आपको हाथ रख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि ये यहाँ तक फुल हुआ है, ठीक है। तो कोई कम नहीं है, प्रॉपर पैक है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका कितने ज़बरदस्त तरीके से पैकिंग करके सेलर ने सेंड किया है, और मैं इनका स्टोर का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से वो ज़रूर मुझसे पूछ सकता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं अगेन आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जब भी दराज से कोई भी प्रोडक्ट आती है, आपने लाजमी उस पर देखना है कि दराज की ब्रांडिंग के साथ टेपिंग हुई हो चारों साइड पर, ठीक है ना, और डिजिटल स्टिकर उसके ऊपर लाजमी हो, ठीक है। और इसके बॉक्स के बॉक्स खाली हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ताकि और लोगों को भी इस तरह की वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। बिकॉज़ बहुत सारे लोग कहते हैं जी दराज वाले फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने ये बॉक्स खोला है, बिल्कुल सील पैक बॉक्स था, और किसी भी किस्म की मुझे कोई भी बैड फीलिंग नहीं है इस प्रोडक्ट के हवाले से। बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि प्रोडक्ट किस तरह से अंदर होगी, मैंने इसलिए आपके सामने ओपन किया। कल मैंने बाटा का जो रिव्यू किया आपके सामने है, फ्लायर को ओपन करके आपको दिखाई ये चीज़, तो जो अच्छी चीज़ है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो चीज़ नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मुझे बताने की ज़रूरत है, ताकि मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करूँ। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आपको गलत बयान नहीं करूँ, मैं जो भी चीज़ होगी आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा, जो चीज़ अच्छी है मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, जो चीज़ नेगेटिव है मुझे सही नहीं रिसीव हुई मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, मैं एज ए यूट्यूबर और एज ए ह्यूमन बीइंग आपको प्रॉपर हमेशा गाइड करूँगा। मैं कभी भी आपको कोई भी अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए हाइप क्रिएट नहीं करता किसी भी चीज़ में, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को बिला वजह लंबा ना करूँ। तो ये मैंने प्रोडक्ट आज अनबॉक्स की है, ठीक है, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन अपने नोटिफिकेशन पैनल में मिलती रहेगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।